जी नादरीन, तो ये मेरा इनक्यूबेटर है, सिंपल जो पेंट वाली बाल्टी इसमें बनाया है। ये डिवाइस लगा हुआ है, इस पे जो टेम्परेचर मैंने सेट किया है वो 37 पे सेट किया हुआ है। ये 37 आपको श्योर है? इस वक्त जो टेम्परेचर है 36.6 है, 36.57। इसमें भी बल्ब ऑन हो गया है। मैं आपको सारा सेटअप दिखाता हूँ। माशाल्लाह, मोर के अंडे थे, 7 eggs हैं टोटल, और आज इनको रखे हुए कुछ 25 से 26 days हो गए हैं, 25 से 26 दिन इसको हो गए हैं। तो माशाल्लाह हैचिंग स्टार्ट हो गई है। ये जिसका बल्ब है जो हीट देता है, और ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, मशीन लगी हुई आपको नज़र आ रही है, ये इस हीट को कंट्रोल करती है। ये जी अंदर का व्यू है। ये छोटा सा एक फ़ैन लगाया था, 12 वोल्टेज का जो होता है, आई थिंक सो, जो CPU से उतारते हैं। ये इस मशीन का ये सेंसर है, ये अंदर जा रहा है। ये देखें, सिंपल एक प्लास्टिक की टोकरी है, इसमें अंडे जी टोटल 7 eggs थे, जिनमें से आज एक ना बच्चा निकल आया है। कल इसको हल्का सा क्रैक आया था अंडे को, और 8-10 घंटों बाद ना ये माशाल्लाह एक जो पी चिक है ना, एक जो जिसे मोर का बच्चा होता है, ये देखे माशाल्लाह, वाइट कलर, वाइट गोल्डन कलर का, बहुत प्यारा। और एक और अंडा मैं आपको दिखाता हूँ, ये नज़र आ रहा है आपको, इस पे क्रैक आ गया है, ये देखें, यानी कि इसके अंदर जो चूज़ा है ना वो भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो 4-5 घंटों तक ये भी बाहर निकल आएगा। ये देखो, ये अंडा था, इसमें से ये खुद ही बाहर आया, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा एक्टिव। 25 से 26 दिन लगे हैं, हैचिंग स्टार्ट हो गई है। पहला चिक निकला है तकरीबन 25-26 दिन में, और जिसको भी क्रैक आया नहीं संडे को, ये उम्मीद है कि आज शाम तक ये हैच हो जाएगा। और जो बाकी एग्ज़ है ना, इनको भी क्रैक किसी को भी नहीं आया। माशाल्लाह अंडे वजनी हैं, बच्चे सारों में बने हुए हैं, चूजे अंदर ना पी चिक्स बने हुए हैं। तो जी माशाल्लाह, ये मेरा मोर के अंडों से चूजे निकलवाने का, पी चिक निकलवाने का ये फर्स्ट वन मेरा एक्सपीरियंस है। और इस बास्केट के नीचे मैंने वो बाल्टी रखी हुई है, टेम्परेचर सेट किया हुआ 37 पे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। आप भी जी इनक्यूबेटर बना सकते हैं, सिंपल सी मशीन बना सकते हैं, बस 2-3 इसके साथ चीज़ें, बल्ब लगाना है जी, ये मशीन लगानी और ये फ़ैन लगाना है। ये जो बास्केट आपको नीचे नज़र आ रही, जिसके ऊपर अंडे रखे हुए हैं, टोकरी प्लास्टिक, इसके नीचे मैंने पानी रखा हुआ है, बर्तन में पानी डाला हुआ है, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी उसको ये कंट्रोल करता है, नमी होती है, देन ये आसानी के साथ जो चिक्स अंदर से निकलते हैं ना, वो अंडे को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो ये इसका जैसे कंप्लीट रिज़ल्ट होगा, कंप्लीट हैचिंग होगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 7 अंडे हैं, जिसमें से एक चूज़ा निकला है, एक जो मोर का बच्चा है वो निकला है, दूसरे से निकलने की अभी कोशिश कर रहा है। बाकी अंडों की जैसे जैसी होगी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो आप भी बनाइए। मैंने भी यूट्यूब से डिफरेंट टाइप्स की वीडियो देख के ये थर्मोस्टेट लिया है, तो ये बल्ब शल्ब लगा के ना ये सेटअप बनाया है। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप भी बना सकते हो, बड़ी मशीन बना सकते हो। आप कह सकते हो कि एक ना सोर्स ऑफ इनकम है, घर में रहते हुए आप अर्निंग का एक सोर्स जनरेट कर सकते हो खुद से ही। इनक्यूबेटर बना बना के आप सेल करना शुरू कर दो। तो ये वीडियो यहाँ तक है, अब जैसे दूसरी हैचिंग होगी उस वीडियो को, उस पार्ट को इसके साथ मैं अटैच कर दूँगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।